नियंत्रक भी नियुक्त हो चुके हैं और जहां तक है ई पोर्टल के माध्यम से अध्याचन जल्द जल्द भेजा जाएगा। उससे भी पहले भी मेरी बात हुई थी मनोज कुमार जी से, जो सचिव हैं, उन्होंने कहा था, मुझसे एक दिलासा दिया था कि जैसे ही अध्याचन हमको मिलेगा हम 2.5 महीने के अंदर भर्ती कराने का कीर्तिमान रचेंगे। अब इन्होंने ये आश्वासन हमको। दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और यहाँ पर आज हम शिक्षक भर्तियों की बात करेंगे, खासतौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। और मैं समय हूँ यहाँ पर ज्ञान गंगा में, हमारे साथ में है राहुल पांडे सर और रजत जी हैं। आप देखा होगा कि बड़ा प्रदर्शन हुआ। रजत जी, आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि अब कल मीटिंग भी थी मुख्यमंत्री जी की, आपको कुछ हुए होंगे, कम से कम विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि दबाव की वजह से ये मीटिंग हुई है। मैं देख रहा हूँ फेसबुक में कि सर अभी आंदोलन हुआ है, केवल उसकी वजह से ये औपचारिकता में मीटिंग हुई होगा, कुछ नहीं, लोग यही कह रहे हैं। क्या कुछ चीजें निकल करके आई है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन भी गए थे, UP SSC के कार्यवाहक चेयरमैन भी गए थे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा के चेयरमैन भी गए थे, मुख्य सचिव वगैरह भी, सारे उच्च अधिकारी थे। जी जी, तो इससे क्या पॉजिटिव देख रहे हैं, इससे क्या कुछ चीजें निकल करके आएंगी, शिक्षक भर्ती आ सकती है? जी बेशक, इस मीटिंग की तैयारी और उस समय जब वार्ता हुआ था हमारा अध्यक्ष महोदय से, तो उस समय एकदम स्पष्ट साफ बिंदु में हमसे जितनी प्रयास है हमने हर स्तर से किया है और 11 सितंबर को ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अधियाचन के संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराने के लिए और अधियाचन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद और निदेशालय को प्रेषित कर दिया लेटर। और हम सबकी मांग थी कि जो मैम हमसे बंद कमरे में बात करते हैं 5 सदस्यीय टीम से, 7 सदस्यीय टीम से, उस टीम को न बोलते हुए जो हजारों की संख्या में हैं उनसे भी ये चीज़ें कही जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नेतृत्वकर्ता हमेशा वार्ता करता है, बच्चों में एक निराशा होती है कि हर बार जो नेतृत्वकर्ता होता है वो बोलता है बच्चों में और कभी कभी बातें थोड़ी लेट लतीफ भी हो जाती हैं। तो इसी संबंध में हमारी मांग थी, तो ये चीज़ें तो हमारी पहली ही वार्ता में जब हमने उनसे निवेदन करने गए थे कि मैडम जो है आप कम से कम बच्चों के पास चलिए और वहाँ पर ये चीज़ें बोल दीजिए, उस समय भी उन्होंने हमें दिखाया गया था उप सचिव जी द्वारा, अध्यक्ष महोदय द्वारा, कि आप देखिए 11 सितंबर को हमने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन को अध्याचन भेज दिया है और बाकी जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोग के अध्यक्षों की बैठक होने वाली है। ये चीज़ें तो मुझे 19 तारीख को ही जानकारी थी, लेकिन जो 6 वर्षों से हम सबके बीच की निराशा है वो निराशा ये है कि जैसे पेपरों में लगातार निकलता रहता है और अखबारों में निकलता रहता है, न्यूज़ चैनलों में चलता है कभी कि 57,000, कभी 61,000, कभी 51,112, कभी 27,000, उससे जो है बच्चों में भ्रमिकताएँ की उत्पन्न हो रही है। तो उसमें छात्र को ये लगता है कि जो चीज़ें 5 वर्षों से 6 वर्षों से निकल रही, कभी कभी आप जब एक छोटी सी कहावत है कि या लाइन है, कोटेशन है, कि जब आपके बीच में लगातार झूठ 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 चीज़ फैलती जाए तो आपके बीच में कभी सच भी आ जाए तो वो चीज़ आपको झूठ लगेगी। जैसे कहते नहीं कि एक किसान, एक बच्चा था वो भेड़ चराने जाता था और एक दिन झूठा चिल्ला दिया कि शेर आया, लेकिन जब आए गांव के जो लोग आए तो कहते नहीं, मजाक कर रहे। तो उसी प्रकार से एक दिन अचानक शेर आ जाता है और भेड़ों को खा जाता है, तो वही चीज़ें होती उसके चिल्लाने पर। उसी प्रकार से 6 वर्षों में यही हो रहा है हम सबके साथ कि आज लगातार झूठे आश्वासन, झूठे विज्ञापन, झूठे अखबारों में कटिंग, न्यूज़ चैनलों में कटिंग, वो चीज़ें जब लगातार आती जा रही हैं उससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सबसे खतरनाक ये है कि किसी किसी जिले का डाटा आता है जी कि ये इस जिले के 150 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 50 से कम नहीं नहीं देखिए इस पे तो लगता विद्यार्थियों को ये बंद हो जाएंगे, भर्ती कैसे नहीं नहीं ये चीजें अगर देखिए ये बीच बीच में जो चीजें आ रही हैं, आज भी आया किसी, आज जो चीजें आई हैं वो चीजें ये हैं कि कहीं ना कहीं 50 संख्या के जो हम भी इस बात पे पड़ताल किए, इस पे हमने जो प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मैंने उनसे भी इस पे चर्चा किया कि देखिए ये अगर कहीं ना कहीं शिक्षक संगठन भी कमजोर हो रहा है, जिस पे पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, OPS की लड़ाई अपने आप को लड़ते हैं या शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, जब शिक्षक की भर्ती नहीं होगी, जिस तरह से एजुकेटर को लगा करके शिक्षकों की भर्ती कम किया जा रहा है, तो इससे न कहीं संगठन भी कमजोर होगा, सरकार धीरे धीरे अपनी मनमानी भी करेगी। अभी तो आप देख रहे हैं कि भीड़ों की गिनती, कहीं चुनाव में ड्यूटी, कहीं ना कहीं जो भी लगता है कि समाज में एक्स्ट्रा काम है वो कहीं ना कहीं अध्यापकों से करा रहा है, लेकिन ये शिक्षक संघ खड़ा होने से दबाव बना रहता है, मांगों के लिए मुकर रहता है। तो हमने भी बात किया, देखिए स्कूल तो बंद नहीं होना पाएगा, ये भले लेटर जारी कर रहे हैं कि यहाँ 50 की संख्या है,
और यहाँ पर हम स्कूल बंद करेंगे। ये देखिए संख्या काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें क्यों उत्पन्न हुई इसका भी कारण है आधार कार्ड का लिंक करना। ये जो बच्चों को आधार कार्ड लिंक करवा रहे हैं तो जहाँ जहाँ बच्चों की संख्या आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पा रही, भाई किसके माँ बाप 5 वर्ष में आप थे, किसके माँ बाप जो है आधार कार्ड, या अभी भी हमारे घर में 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष के बच्चे हैं, कौन से जो है आधार कार्ड हम बना दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोग वो तो बेचारे उस प्राथमिक विद्यालय में गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ने आते हैं, इतना समय नहीं होता। अगर वो एक दिन अगर दिहाड़ी पे काम ना करें या किसान खेती में काम ना करे तो खाने को ना मिले। ये स्थिति में आधार कार्ड लिंक नहीं हो पा रहा, इससे बच्चों की संख्या कम हो रही है। भाई महानिदेशक के अनुसार कड़ाई से पालन हो रहा है, लेकिन उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इस यही BSA जो आज ये BSA जो आज ये दे रहे हैं कि 50 की संख्या में इतने स्कूल में बंद है, 50 हैं, 100 है, 150 हैं, आज वही चीज़ें यही BSA अभी कुछ दिन पहले लेटर जारी किए थे जिला स्तर पे। जिला स्तर में अभी भी मैं बता रहा हूँ गोरखपुर जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, यही लखनऊ का मुख्यमंत्री जी का आवास या कार्यालय कह दें, यही कार्यालय पे अभी लखनऊ जैसे क्षेत्र में अभी 200 ज्यादा अध्यापकों की कमी है। शिक्षा मंत्री के गृह जनपद में वहाँ अध्यापकों की कमी है। हाँ, अभी कुछ RTI आई थी अलग अलग जिलों की, जिसमें 2200 पद रिक्त थे, 1600 इस पे हमने काफी 1200 हाँ काफी हमने न्यूज चैनलों को भी इस पे ग्राउंड रिपोर्टर में हमने कहा था कि इस मुद्दे को उठाए, जिसमें काफी न्यूज चैनल प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों ने मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद, शिक्षा मंत्री गृह जनपद और लखनऊ जैसे शहरों का शिक्षकों का अनुपात समानुपात निकाला गया, जहां पर बच्चे एक एक अध्यापक कम है, शिक्षकों की भारी कमी है, ये चीजें देखने को मिल रही है। और आज ये स्थिति है कि अध्यापकों की कमी बेशक कम है, 6 वर्षों से 7 वर्षों से अध्यापकों की भर्ती नहीं हुई है। जो ये भर्तियों के बारे में बोलते रहते हैं कि हमने 1,26,000 पद पे भर्ती किया, 68,500 पद पे भर्ती किया, 69,000 भर्ती किया, मैं बार बार इस चीज़ों को आपको अवगत कराना चाहता हूँ, अपने छात्रों को अपने बच्चों को अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए साथियों, सरकार ने कोई भर्ती नहीं किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये डिसीजन आया था कि शिक्षा मित्रों को योग ना देते हुए समायोजन के संबंध में बोला था। और एक उदाहरण के संबंध में भी ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि आप कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो किसी कंपनी में या किसी विभाग में, उस व्यक्ति को हटा करके किसी व्यक्ति को रखा जाए तो समायोजन कहलाता है, लेकिन वो व्यक्ति काम कर रहा हो और उसके साथ साथ एक व्यक्ति और रखा जाए तो रिक्त पदों की भर्ती कहा जाता है। तो शिक्षा मित्रों की सीटों के जो समायोजन है, सरकार को रिक्त पदों पर नहीं जोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ एक मामला और आया है कि बच्चे बहुत डिप्रेशन में हैं कि अरे भैया आप प्रोटेस्ट किए, अध्याचल तो गया है। कानपुर देहात का एक लेटर वायरल हो रहा है कि जो है वहाँ पर 50 की संख्या से कम है। देखिए 50 की संख्या कम है ये आधार कार्ड का लिंक ना होना, लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें सुधार होगा। और ये जो प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के लिए सरकार या अगर बेसिक शिक्षा महकमा अगर करता है, इसका शिक्षक संगठन बहुत कड़ाई के साथ विरोध करने के लिए तैयार है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक ये चीज़ें चल भी रही हैं, क्योंकि स्कूल बंद होगा तो वहाँ के स्थानीय लोगों को, देखिए कहते नहीं हैं, एक शिक्षित व्यक्ति को करने के लिए अगर स्कूल, अगर एक गांव या एक परिवार तालाब के किनारे, नहर के उस किनारे भी है और उसको शिक्षित करना है सरकार को, तो उसके लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। अगर किसी गाँव में अगर एक परिवार को एक गांव को शिक्षित करना, वहाँ 30 की संख्या और 20 की संख्या है, तो सरकार ये ऐसा कदम नहीं उठा सकती है कि वहाँ का प्राथमिक विद्यालय बंद करके किसी दूर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले जाए। तो सरकार फिलहाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत खिलवाड़ नहीं करेगी, और ये मेरा मानना है। और शिक्षा विभाग भी इस पे कोई कार्य ऐसा नहीं करेगा। आगे की क्या योजना है? आगे की योजना यही है कि जैसे कि मेरे सभी साथियों को पता है कि मैं डेंगू पॉजिटिव हूँ इस समय, और स्वास्थ्य ये स्थिति है कि मैं आपके सामने देख ही रहा हूँ कि आपसे व्यक्तिगत मुखातिब हुआ कि जो चीज़ें, जो एनर्जी हौसला जो पहले थी वो इस समय कितना डाउन है। तो डेंगू की वजह से वीकनेस है, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार मुझे आराम करने के लिए कहा गया, क्योंकि प्लेटलेट जब डाउन होती है तो उसमें कोई व्यक्ति ना ज़्यादा बोले, ना ज़्यादा काम करे, ना कुछ करे। अभी भी बस यही है कि डेंगू के जो परामर्श के अनुसार, जो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार हमें अपने उनके दिए गए सलाह के अनुसार काम करना है कुछ दिन। बाकी लखनऊ में मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे मेरे साथी हैं जो संघर्ष करते हैं, और भी मेरे साथी हैं प्रदेश के, अगर वो इस समय लखनऊ में धरना रखते हैं, मेरा पूरा सहायता और सहयोग रहेगा।
और आगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको एकजुटता का परिचय देना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक मैं चर्चा पर चर्चा करना चाहूँगा कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक किया जिसमें हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदया वो भी सम्मिलित रही, और उनका भी यही प्राथमिकता था कि जो अधियाचन भेजे गए हैं विभाग को वो जल्द से जल्द अधियाचन रिक्त पदों का विभाग को आयोग को दें जिससे आयोग उस पर भर्ती करा सके। तो क्या इस बीच में कोई बातचीत होगी, क्या आंदोलन के पहले चेयरमैन से कोई बात होगी? नियंत्रक भी चूंकि अब आ गए हैं, जी जी उस काम तो बढ़ेगा ही, और शासन की मीटिंग भी हुई है, शासन से क्या वार्ता हुई है? बेशक आपके द्वारा भी और सब अन्य साथियों द्वारा भी परीक्षा नियंत्रक की चर्चा कर दी गई थी नियुक्ति से पहले या आधिकारिक पुष्टि से पहले, और बाकी परीक्षा नियंत्रक भी नियुक्त हो चुके हैं, और जहां तक है ई पोर्टल के माध्यम से अधियाचन जल्द जल्द भेजा जाएगा। उससे भी पहले भी मेरी बात हुई थी मनोज कुमार जी से जो सचिव हैं, उन्होंने कहा था, मुझसे एक दिलासा दिया था कि जैसे ही अधियाचन हमको मिलेगा हम 2.5 महीने के अंदर भर्ती कराने का कीर्तिमान रचेंगे। अब इन्होंने ये आश्वासन हमको उप सचिव जी और सचिव जी द्वारा मिला है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा आयोग नया है, हम बेसिक जो बेसिक विभाग के रूल हैं, रेगुलेशन है, जो चर्चा है, बदलाव है, नियम है, उस पर हम प्रतिदिन शिक्षाविदों से और प्रतिदिन आयोग के जो भी सचिव हैं अन्य लोगों से राय विचार विमर्श कर रहे हैं, और प्रयास यही रहेगा कि इस पे कुशल और ठोस के रणनीति के साथ हम अपने गाइडलाइन तैयार करेंगे, लोगो तैयार करें। फिलहाल लोगो और साइट कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे वो सब वर्क कर भी रहे हैं। फिलहाल अधियाचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है विभागों को आदेश दे दिया है और ये पोर्टल लॉन्च किया है, तो इससे हमको लगता है कि भर्ती पर तीव्रता आएगी फिलहाल, लेकिन हमको जब तक विज्ञापन नहीं जारी होता है तब तक हमें ऐसे मौखिक चीज़ों पर कम नज़रअंदाज करना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि जब तक विज्ञापन न जारी हो आंदोलन को नहीं बंद करना चाहिए। बाकी जो है मैं फिलहाल आयोग के अध्यक्ष से भी और जो है क्या कहते हैं सचिव जी से भी मुलाकात करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से क्या वार्ताएं हुई है, और बाकी यही कहूंगा कि जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन दे दें और या कैलेंडर में शामिल कर दें कि इतने तारीख को भर्ती देंगे, इतने समय में देंगे, इतने पदों पर देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2024 में ही कराएं, 2025 में ही फरवरी मार्च अप्रैल में कराएं, लेकिन वो कैलेंडर जो आने वाला है उस कैलेंडर में लिख के दर्शा दें लिखित रूप से कितने पदों पे भर्ती होगी, इतने समय में होगी, इस सन में होगी, तो जिससे जैसे बिहार के कैलेंडर की तरह बच्चे उस आशा के साथ पढ़ाई में जोर लगाएंगे, अपने दिनचर्या के साथ पढ़ाई भी करेंगे मन लगाकर, और इनका जो ये टेंशन रहेगी कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी ये चीजें दूर हो जाएगी, नकारात्मक चीजें दूर होंगी और सकारात्मक दिशा में बच्चे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।